पीएम मोदी के मन की बात के समय एपिसोड से पहले पूरे कार्यक्रम के सेटअप का वीडियो जारी। आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी होगा सीधा प्रसारण। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के समय एपिसोड पूरे होने पर बिल गेट्स ने दी बधाई, ट्वीट करके लिखा, विकास मुद्दों पर करते हैं काम। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के समय संस्करण का गांधी सभागार, राजभवन से सजीव लाइव सुनेंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस अवसर पर राज्यपाल महोदया कार्यक्रम पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगी। राजभवन में सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात 100वें एपिसोड से पहले लाइट एंड साउंड शो। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों के सपोर्ट में जंतर मंतर पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा, पहलवानों के साथ बैठकर काफी देर तक बातचीत हुई। वहीं प्रियंका वाड्रा ने बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे को लेकर उठाया सवाल, कहा आखिर बृजभूषण शरण सिंह को क्यों बचाया जा रहा है। अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार को प्रधानमंत्री मोदी की कर्नाटक में कई चुनावी जनसभाएं, कोलार, चन्नापटना और बेलूर में रैलियों को करेंगे पीएम संबोधित। कर्नाटक के हमनाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, कर्नाटक चुनाव में प्रचंड जीत का भरोसा प्रकट किया। सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए बोले पीएम, कहा विकसित भारत के लिए कर्नाटक का विकास बेहद जरूरी। कर्नाटक के बिलगावी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा, कहा थकी हारी कांग्रेस नहीं, जोश से भरी बीजेपी को चुनेगी जनता। पीएम मोदी ने कांग्रेस और जेडीएस पर साधा निशाना, कहा अस्थिर सरकारों के कार्यकाल में कर्नाटक का बहुत नुकसान हुआ। कर्नाटक के हमनाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, कर्नाटक चुनाव में प्रचंड जीत का भरोसा प्रकट किया। सरकार की उपलब्धि के नाते हुए बोले पीएम, कहा विकसित भारत के लिए कर्नाटक का विकास जरूरी है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की गाली का जवाब जनता वोट से देगी। वहीं अतीक अशरफ हत्याकांड में 12 मई को होगी मामले की सुनवाई, पुलिस को मिली 4 मोबाइल नंबर्स की डिटेल्स। एसपी नेता आजम खान ने अतीक हत्याकांड की तरफ इशारा करके सरकार पर निशाना साधा, क्या चाहते हो, कनपट्टी पर आए, गोली चलाकर चला जाए, बस इतना ही रह गया है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की पत्नी ने दाखिल की अर्जी, बिहार सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग। बीजेपी ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर जारी किया संकल्प पत्र, पुरानी योजनाओं को लेकर ही प्रचार पर फोकस। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका पर 2 मई को होगी सुनवाई, 5 मई तक मामले में फैसले की संभावना। बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली 10 साल की सजा, भाई अफजाल पर भी फैसला आया है। मुख्तार अंसारी के बाद सांसद भाई अफजाल अंसारी भी गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार, अफजाल अंसारी की जा सकती है संसद सदस्यता।